दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे लोग 3 से 4 महीने में मस्कुलर बॉडी बना लेते हैं और बहुत सारे लोगों को 3 से 4 साल लग जाता है, उसके बाद भी उनकी बॉडी नहीं बनती है। क्या आपने कभी सोचा कि इसका कारण क्या है? इसका मेन कारण होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता क्या है? ये आपकी मसल्स गेन के लिए बहुत जरूरी होता है। चाहे आप जितनी अच्छी डाइट ले लो, चाहे जितना वर्कआउट कर लो, अगर टेस्टोस्टेरोन की शरीर में कमी होगी तो बॉडी नहीं बन पाएगी। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। एक रिसर्च हुई थी जो कि रैट्स पे यानी चूहों पे की गई थी। उसमें 2 चूहे लिए गए थे, एक ही ब्रीड के चूहे थे, और उन दोनों चूहों में से दोनों को वर्कआउट कराया जाता था, लेकिन केवल एक चूहे को टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस भी दिए जाते थे। तो आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि 3 से 4 महीने के बाद में जो चूहे को टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन दिए जा रहे थे, उस चूहे की मसल्स गेन बहुत ज्यादा हो गई और वो पहले चूहे के मुकाबले दुगना शरीर हो गया उसका, दुगनी मसल्स हो गई। मतलब उसका जो बॉडी पार्ट है वो भी बढ़ा और साथ में उसकी जो मसल्स गेन है वो दुगनी रफ्तार से बढ़ी। आप लोग देख सकते हो एक चूहा छोटा रह गया और एक चूहा 3 से 4 महीने के बाद में अच्छी खासी मसल्स के साथ में काफी विशाल हो गया। तो इसका सीधा सा ये रीजन निकाला गया कि भाई अगर शरीर में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा तो मसल्स गेन भी ज्यादा होगा। कैसे बढ़ाना है आपको अपने टेस्टोस्टेरोन को बिना टाइम वेस्ट किए, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कुछ ऐसी खाने वाली चीजें जो तेजी से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करती हैं। पहली चीज है सुपर फूड जो कि है एग्स यानी अंडे। मैं आपको बता दूं अगर आप लोग अंडे खा सकते हो तो डेली कम से कम 3 से 4 अंडे जरूर खाया करो। ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत तेजी से बूस्ट करता है और मसल्स गेन को भी बढ़ाता है। प्रोटीन मिलता है, फाइबर मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं और उसके साथ में ये आपके टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करता है। दूसरा जो हमारा फूड है वो है पोमोग्रेनेट यानी अनार। देखिए अनार खाने से मैं आपको बता दूं आपके शरीर का खून बढ़ता है और सबसे इंपॉर्टेंट आपका टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होता है। तो अनार का जूस हफ्ते में 1 दिन जरूर पिया करो अगर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट फूड है डार्क चॉकलेट। मैं बार बार बता चुका हूं वर्कआउट करने जाओ, वर्कआउट से पहले थोड़ी सी डार्क चॉकलेट खा लो, वर्कआउट करने में मदद मिलेगी। साथ में डार्क चॉकलेट आपके एंड्योरेंस को, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बूस्ट करता है। ये हो गई खाने की चीजें। उसके साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि मसल्स गेन के लिए आप लोगों को कंपाउंड एक्सरसाइजेस करनी है। कंपाउंड एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं? जैसे हम बेंच प्रेस लगाते हैं, वेट लेके भारी भारी स्क्वाट्स लगाते हैं, उसके साथ में ज्यादा ज्यादा वजन उठा के डेडलिफ्ट करते हैं, ये सारे कंपाउंड एक्सरसाइजेस होते हैं। इन्हें हम घर पे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? बेंच प्रेस की जगह पे आप लोग पुशअप लगा सकते हैं। घर में मल्टी ज्वाइंट वर्कआउट होता है, आप लोग का टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगा। साथ में पुलअप्स लगा सकते हो, बैक को ट्रेन करेगा, बाइसेप को ट्रेन करेगा और आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके साथ में स्क्वाट्स लगा सकते हो, बहुत बार बता चुका हूं स्क्वाट्स घर में ही कर सकते हो और जो आपके पैरों पे लोड पड़ेगा ना उस लोड की वजह से आप लोग का टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। पहले बता चुका हूं कि पैरों पे जितना लोड पड़ता है वर्कआउट करते समय उतना ही हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है। तो इन 3 एक्सरसाइजेस को करके घर पे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हो। जिम में कर रहे हो तो जो भी कंपाउंड एक्सरसाइजेस हैं जैसे डेडलिफ्ट हो गया, मिलिट्री प्रेस हो गया, स्क्वाट्स हो गया, बेंच प्रेस हो गया, ये सारे एक्सरसाइज लगाओ जिम में और कस के आप लोग का जो टेस्टोस्टेरोन है बूस्ट होगा, मसल्स गेन काफी तेजी से होगी। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, तेजी से अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो शिलाजीत का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग देख रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा कम हो गया है और आप लोग की मसल्स गेन नहीं हो पा रही है तो शिलाजीत का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो तेजी से आप लोग का टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है। क्योंकि इंडिया में जो पहलवान होते हैं, जो बॉडी बिल्डर होते हैं बड़े बड़े, वो सभी लोग शिलाजीत का इस्तेमाल करते हैं तभी उनकी मसल्स गेन अच्छे से हो पाती है। तो आप लोग सेसा का हिमालयन शिलाजीत इस्तेमाल कर सकते हो। ये पूरी तरह से 100% आयुर्वेदिक है और ये आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, आपके स्टैमिना को बूस्ट अप करता है। सबसे अच्छी चीज इसकी क्या है कि ये आपके कॉन्सेंट्रेशन पावर, आपकी मेंटल पावर को भी बढ़ाता है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे जो मसल माइंड कनेक्शन है वो होना बहुत जरूरी है। तो अगर ये आपके कॉन्सेंट्रेशन मेंटल पावर को बढ़ाएगा तो आप लोग मसल माइंड कनेक्शन कर पाओगे जिससे मसल्स गेन आप लोग का तेजी से होगा। ये आप लोगों को सोने में मदद करता है, इसमें आप लोग को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मिलती हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज मिलती हैं, आप लोगों को ये रिलीफ दिलाता है, मतलब स्ट्रेस को कम करता है जिससे आप लोग को अच्छी नींद आती है और आप लोग का टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है।
आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें प्योर 100% शिलाजीत है, जिसे हम शुद्ध शिलाजीत भी बोलते हैं। साथ में इसमें 60% फुल्विक एसिड है, जो इसके बेनिफिट्स को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। कैसे इस्तेमाल करना है आप लोगों को सेसा का हिमालयन शिलाजीत, मैं आपको ये भी बता देता हूं। इसके आप लोग छोटा सा देखो, इसके अंदर आप लोगों को एक चम्मच मिलेगा, उस चम्मच से आप लोगों को मटर के दाने के बराबर शिलाजीत लेना है, और आप लोगों को ल्यूक वार्म हल्के गुनगुने पानी के साथ में या हल्के गुनगुने दूध के साथ में आप लोगों को 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से मिलाना है। जब ये पूरी तरीके से घुल जाए इसको आप लोगों को पी जाना है, और आप लोग देखोगे कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा, और आप लोगों की बॉडी मसल्स गेन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आप लोगों को सेसा के हिमालयन शिलाजीत का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग इसे एक बार चेकआउट जरूर करना। मसल्स गेन के लिए, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट शिलाजीत माना जाता है। एक बात का और ध्यान रखना, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए आप लोग को एक्टिव रहना होगा। अगर आप लोग को यह जानना है कि आपका टेस्टोस्टेरोन कम है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग रात में 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे हो और उसके बाद भी जब आप लोग जग रहे हो तो पूरे दिन भर में भी आप लोग को थकान लग रही है, बीच बीच में नींद आ रही है, तो इसका मतलब आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी है। तो कैसे उस टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना है, बी एक्टिव, मतलब एक्टिव रहो, कोई भी काम कर रहे हो हर समय एक्टिव रहो। अगर आप लोग लेट के बैठ के चीजों करोगे, दिन दिन भर सोफे पे बैठ के, सोफे पे लेट के, बेड पे लेट के मोबाइल चलाओगे, तो टेस्टोस्टेरोन तो कम होगा ही, साथ में इम्यून सिस्टम भी खराब हो जाएगा, तो मतलब बॉडी तो बनने से रही, बॉडी बना ही नहीं पाओगे। इसलिए बी एक्टिव, एक्टिव जितना रहोगे उतना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन आपका बूस्ट होगा। उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप लोग रात में कितने बजे सोते हो, तो आप में से बहुतों का आंसर होगा, कोई बोलेगा मैं 10-11 बजे तक सो जाता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 1-2 बजे तक सोते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आपको अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को और अपने बॉडी बिल्डिंग हॉर्मोन्स को बूस्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी में बनाना है, तो रात में आप लोग मैक्सिमम 10 से 11 बजे आप लोगों को सो जाना है। हमारी जो बॉडी होती है वो जो सूरज होता है, जो सन होता है, उस हिसाब से काम करती है। अगर हम लोग सुबह देर तक सोएंगे और रात में हम लोग देर से सोएंगे, तो इससे हमारी बॉडी के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो पूरी तरह से गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि जब हम सोते हैं, जब हम प्रॉपर नींद लेते हैं, तभी रात में ये हॉर्मोन्स बनते हैं। इनका जो बनने का सही टाइम है वो रात में होता है, जब हम पूरी तरह से आराम करते हैं, क्योंकि ये हॉर्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से बनते हैं, जो हमारे माइंड के पास में, ब्रेन के पास में होती है। तो जब हमारा ब्रेन एकदम आराम पाता है, तभी इन हॉर्मोन्स को सही से बनाने की कोशिश करता है, जिससे हमारी मसल्स ग्रोथ बढ़ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना, रात में आप लोग को प्रॉपर नींद लेनी है और ज्यादा देर रात तक आप लोग को नहीं जगना है, ताकि आप लोग का टेस्टोस्टेरोन लेवल और जो भी हॉर्मोन्स है बॉडी बिल्डिंग के, वो सारे बूस्ट हो पाए। उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप पे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप लोग बहुत ज्यादा टेंशन लोगे या आपके माइंड में स्ट्रेस होगा, तो आप लोग का टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं बढ़ने वाला। अपने स्ट्रेस को रिलीफ देने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप लोग रात में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ले। ये तो हो गई पहली चीज। और उसके बाद जब आप लोग सुबह सो के उठे, तो केवल अगर आप लोग 5 मिनट इस पोजीशन में बैठते हो, या फिर केवल 5 मिनट अगर आप लोग मेडिटेशन करते हो, 5 मिनट में देखिए कुछ नहीं होने वाला है। ये छोटा सा समय अगर आप लोग डेली अपने शरीर को देते हो, तो आप लोग का टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, आप लोग का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, माइंड से स्ट्रेस आप लोगों के कम होगा, मसल्स गेन के लिए बहुत अच्छा है। मतलब कितने सारे फायदे हैं केवल 5 मिनट सुबह सुबह मेडिटेशन करने के। तो आप लोग सुबह सो के उठो, 5 मिनट मेडिटेशन करो, आप लोग का टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होगा, और जो भी मसल्स गेन की प्रॉब्लम है वो सारी आप लोग की धीरे धीरे सही होगी। इसके साथ में जब भी आप लोग सुबह सो के उठो, तो हल्के ठंडे पानी से आप लोग को नहाना है। देखो, गर्म पानी नहाने का इस्तेमाल मत करो, ठंडियों की बात अलग है, लेकिन गर्मियों में अगर आप लोग हल्के ठंडे पानी से नहाते हो, तो ये आपकी मसल्स की जो रिपेयरिंग होती है उस प्रोसेस को भी बढ़ाता है, साथ में आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में भी ये मदद करता है। तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए आप लोग को लेग्स का वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। कौन सा वर्कआउट करेंगे? हम लोग करेंगे स्क्वाट्स। स्क्वाट्स इस तरीके से लगाया जाता है, आप लोग चाहो तो दंड बैठक भी लगा सकते हो, लेकिन स्क्वाट्स लगाना ज्यादा आसान होता है, तो स्क्वाट्स लगा के आप लोग अपने लेग्स मसल्स को ट्रेन कर सकते हैं। उसके साथ में आप लोग लगा सकते हैं काफ रेजेस, अपने काफ को ट्रेन करने के लिए, जिसे हम कुछ इस तरीके से लगाते हैं। काफ रेजेस लगा के भी आप लोग अपने काफ को, अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। लास्ट में हम लगाएंगे अपने एब्स मसल्स की एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से हम लोग क्रंचेस लगा सकते हैं, या फिर हम लोग क्या लगा सकते हैं, माउंटेन क्लाइंबर एक्सरसाइज लगा सकते हैं, जिसको लगाने से आपके एब्स मसल्स काफी तेजी से ट्रेन होते हैं। इस तरीके से ये सारी चीजें अपना के आप तेजी से अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप और वीडियोस
देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे वीडियो आप लोग को देख जाएंगे, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, हाइट बढ़ाने से रिलेटेड, वेट गेन से रिलेटेड, वेट लॉस से रिलेटेड सारे वीडियोस आप लोग को मिल जाएंगे। स्क्रीन पे लगे वीडियो पे क्लिक करके आप लोग यहीं से वीडियो को देख सकते हैं।